भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं जीते नहीं हैं। जीतने का काम समाजवादी पार्टी के लोग अगर निचले स्तर पे जाएं तो BDCO और प्रधान सबसे अधिक आप देखे भी होंगे। लगाया जाता है कि जो आरोप आप भाजपा पर लगा रहे हैं वही आरोप आपके ऊपर भी लगे। इसलिए मैं कहा आपसे कि मैं 2010 में जब मेरी पत्नी ब्लॉक प्रमुख बनी बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, कोई ऐसा गाँव नहीं होगा जहाँ मेरा बोर्ड न लगा हो, जहाँ मैंने विकास का काम न किया हो, जिसमें आराम से किसान जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं और पीछे से गाड़ी आती है और उनको मार देती है। किसान जा रहे हैं, पीछे से गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा दी जा रही है, ये बहुत ही निंदनीय है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। आप उठा लीजिए, बीच में कोरोना काल रहा तब भी जहाँ जहाँ जो जरूरतें आई हैं समाजवादी पार्टी लड़ने का काम किया, ना कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी कहीं दिखाई नहीं देती है और कांग्रेस भी कहीं लड़ने का काम नहीं करती है, केवल समाजवादी पार्टी लड़ती है। वो दूसरे बिरादरी के लोग थे, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये कुछ तोड़ो फोड़ो की राजनीति है जो एक दूसरे से लड़ाने का काम करते हैं। कहीं आम जनता में नहीं, आम जनता समझ चुकी है। हम लोहिया आवास के नाम से 3.5 लाख रुपये देते थे गरीबों को, आप 1,35,000 रुपये देते हैं, हम 3.5 लाख रुपये देते थे। देख लीजिए जो उज्ज्वला के जो लोगों को दिया जाता है, इसमें उज्ज्वला पार्ट 2 लोग चला रहे हैं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर उदयभान गुप्ता, पहले तो इनके कार्यकाल के विषय में बात करेंगे, उदय नारायण गुप्ता माफ़ कीजिएगा, और फिर अब समाजवादी पार्टी बात करेंगे। सर उसके पहले हम आपका स्वागत करेंगे चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये बताएं, आप इस राजनीति में आने से पहले पेशे से आप क्या काम करते थे? चिकित्सक पूरी तरह से। जी तो सर एकदम सीधा सवाल, चिकित्सा की सेवा से जुड़े हैं आप, पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, यानी पद पे कोई और ब्लॉक प्रमुख रहा होगा आपके परिवार का। ब्लॉक प्रमुख का पद इतना महत्वपूर्ण होता है सर, अभी हाल में चुनाव भी हुए, चुनाव में देखा गया आपके यानी समाजवादी पार्टी के BDC और जिला पंचायत ज़्यादा चुने जाते हैं, लेकिन ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग चुने जाते हैं, आखिर ये कैसे हो जाता है? देखिए ये इस बार हुआ है, आप देखे हैं मैं 2005 से राजनीति कर रहा हूँ और 2005 में जब पहली बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी उसमें मैं सबसे पहले मैं उपप्रमुख का चुनाव जीता, और उसके बाद से 2010 में सेवरही ब्लॉक का जब पिछड़ी महिला सीट हुई तब मेरी पत्नी ब्लॉक प्रमुख बनी, और 2015 में मैं स्वयं समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मैं स्वयं ब्लॉक प्रमुख बना। 3 बार से मैं सेवरही ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करता आया हूँ। और आप देख लें, मैं आपको अंतर बता दूँ, बहुजन समाज पार्टी में मैं चुनाव लड़ा और मैं सपा के समय में लड़ा, आज के भाजपा के सरकार में आप लोग पूरे प्रदेश में देखे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं जीते नहीं हैं। जीतने का काम समाजवादी पार्टी के लोग अगर निचले स्तर पे जाएं तो BDCO और प्रधान सबसे अधिक आप देखे भी होंगे अपने चैनल के माध्यम से और सारे पत्रकार साथियों के माध्यम से कि सबसे अधिक BDCO जिला पंचायत के सदस्य समाजवादी पार्टी के लोग। मैं भी कह रहा हूँ जी, सबसे अधिक जीत के लगाया। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनको लगा कि हम ये उत्तर प्रदेश में कहीं फीडबैक नहीं दे पा रहे हैं, जनता से भारतीय जनता पार्टी का मोह भंग हो गया है, तो उन्होंने अत्याचार किया, लोकतंत्र की हत्या की, संविधान की उन्होंने हत्या किया, खत्म किया संविधान को। आप देख रहे हैं औरतों के साड़ी खींचे गई, पर्चे फाड़ दिए गए, किसी का पर्चा दाखिला नहीं होने दिया गया। इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कब्जा करने का काम किए हैं, कहीं से लोकतंत्र में नहीं। लोकतंत्र में अगर विश्वास किए होते, अगर सही से चुनाव हुआ तो 30 बार भी समाजवादी पार्टी के लोग ही जीते होते। तो क्या सर इसके पहले जब आपकी सरकार थी उसमें भी जो है चुनाव हुए पंचायती राज के, तो क्या उसमें उस चुनाव में जो है सपा को जब जीत मिली, सत्ता में आप थे, तो क्या ऐसा कायस लगाया जा सकता है कि जो आरोप आप भाजपा पर लगा रहे हैं वही आरोप आपके ऊपर भी लगे? जी मैं इसलिए मैं कहा आपसे कि मैं 2010 में जब मेरी पत्नी ब्लॉक प्रमुख बनी बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, मायावती जी की सरकार थी, और उस समय भी मैं विपक्ष में था, बहुजन समाज पार्टी से दूसरे प्रत्याशी थे, फिर भी मैं चुनाव लड़ा और मैं चुनाव जीता। इस तरह की थोड़ा बहुत डेलीगेटेड चुनाव में होता है, मैं इसको मानता हूँ, लेकिन जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बार किए हैं किसी सरकार में नहीं हुआ। 2015 के चुनाव में जब मैं चुनाव लड़ा तो भारतीय जनता पार्टी के एक डमी कैंडिडेट, सारे लोग भग गए थे, एक डमी कैंडिडेट हुए, वो भी पर्चा पूरी तरह से आसानी से हम लोगों ने उनको पर्चा खरीदने दिया, वो पर्चा दाखिला किए, केवल 8 ही वोट पाए लेकिन चुनाव लड़े। सीधे तरह से आप लोगों ने एक मीडिया के माध्यम से निकला भी था पेपर में कि कुछ जिलाधिकारी अपने जिलों में काम करना नहीं चाहते हैं केवल इस दबाव के नाते, और पूरी तरह से सरकार का दबाव रहा कि आपको हर हाल में जैसे भी हो, जैसे का मतलब आप समझ सकते हैं किसी तरह से चुनाव जीत के भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुनाव जिताना है, ये ऊपर से पूरी तरह से सरकार का आदेश हो गया। निचले स्तर पे चाहे SDM हो, CEO हो, SP हो या DM हो, और उनके द्वारा ये पूरी तरह से सरकार के इशारे पे, इन अधिकारियों के द्वारा नंगा नाच किया गया। सब तीन, जैसे बताया आपने, 3 बार आप ब्लॉक प्रमुख रहे हैं जी, तमकुहीराज विधानसभा यानी जब पहले से हो रही था,
तीन बार के कार्यकाल में आपने कौन से महत्वपूर्ण काम किए हैं कि जनता वापस में फिर से आपको इस चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में आपको जिताए? ब्लॉक प्रमुख पूछ रहे हैं या समाजवादी पार्टी की बात? ब्लॉक प्रमुख। देखिए, ब्लॉक प्रमुख में आप इसके पहले पता कर लेंगे, जो भी लोग ब्लॉक प्रमुख रहे हैं ठीक है, पता ही क्या लोग काम किया करते, जो भी लोग करते थे उसमें हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते। मैं जब हुआ तो पूरी तरह से आप पूरा क्षेत्र में पता कर सकते हैं, मैं जो भी बीडीसी लोग हुए, बीडीसी लोगों के जो जनप्रतिनिधि थे उनका मान सम्मान मैंने किया, जो उनका जो अधिकार है प्रस्ताव वो देंगे, अपने क्षेत्र का विकास वो कराएंगे, और पूरी तरह से समान रूप से पूरे सवरही ब्लॉक में आप जाएंगे तो मेरे कार्यकाल, चाहे मेरी पत्नी कार्यकाल हो, मेरा कार्यकाल हो, कोई ऐसा गाँव नहीं होगा जहाँ मेरा बोर्ड ना लगा हो, जहाँ मैंने विकास का काम न किया हो। अब महत्वपूर्ण सवाल सर सरकार और आपकी पार्टी से करेंगे। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है, एक सम्मेलन में उन्होंने एक संबोधन में कहा कि समाजवादी पार्टी के उप कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं, यदि उनकी सरकार दोबारा बनी तो वो मुकदमे फिर से हटा दिए जाएंगे। तो सर ये भी तो एक कानूनी रूप से सही नहीं समझ आता है कि सरकार बनेगी तो क्या सारे इस तरह के? राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने ऐसा नहीं कहा था मेरी जानकारी में। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ फरेब में केवल कुछ नाम देख के, कुछ नाम के आगे जो टाइटल होता है आप समझ सकते हैं, उन लोगों पर पूरी तरह से फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, उनको जेल भेजने का काम किया जा रहा है। तो अखिलेश जी ने ये कहा था कि मेरी भी सरकार आएगी तो उन मुकदमों की हम पुनर्समीक्षा करेंगे, वो मुकदमे अगर फर्जी हैं तो उनकी हम पुनर्समीक्षा करेंगे, अगर सही होगा उन्हें पूरी तरह से ख़त्म करने की बात नहीं किया गया, कोई भी अगर जात विशेष से कोई भी अगर है सही है तो उसका सही मुकदमा, गलत रूप से न फंसाया जाए, ये आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मतलब कहने का मतलब। महत्वपूर्ण मुद्दा, अभी जो लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ, हम उसको कांड का नाम तो नहीं देंगे लेकिन ऐसा कहेंगे कि जो है कुछ किसान भी मारे गए, कुछ भाजपा के कार्यकर्ता भी मारे गए दोनों तरफ से। सर इस पूरी घटना पे आपके क्या विचार हैं? वैसे तो मेरा प्रश्न नहीं पूछूंगा, मैं सिर्फ आपके विचार जानना चाहूँगा। जो आप लोग मीडिया के साथियों के द्वारा जो वीडियो एक वायरल किया गया है जिसमें आराम से किसान जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं और पीछे से गाड़ी आती है और उनको मार देती है, आप बताएं आज के समय में कहाँ का ये न्याय है? अगर हम रोड पर जा रहे हैं, अगर हम धरना ही देते हैं, लोकतंत्र में आपने कहा कि हम विपक्ष में हैं, किसान अपनी वाजिब मांगों को मांग रहे हैं और आप दे नहीं रहे, तो इसका मतलब दमनकारी नीतियों से उनको कुचलने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को द्वारा ये कहा गया कि उनके ऊपर हमला किया गया, एक भी वीडियो भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखला दें जो उनके ऊपर, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे उनके ऊपर किसानों के द्वारा हमला किया गया हो। एक वीडियो और भी वायरल हुआ जिसमें जो है गाड़ी में बैठे एक शख्स को गाड़ी से निकाल के डंडे से मारा जा रहा है, वो लगातार अपने आप ये बताएं, जब यहाँ भीड़ रहेगी, अगर लाखों लोग या 1,000, 2,000, 5,000 लाखों लोगों की भीड़ रहेगी और पीछे से एक अमूमन कोई भी गाड़ी वाला अगर आके किसी को मार के जा रहा है, कुचल के जा रहा है, जिसमें 2, 4, 5, 10 लोगों की मौत हो जाती है, वो भीड़ क्या करेगी? उस गाड़ी वाले को रोकेगी नहीं, मारेगी नहीं? वो तो एक नेचुरली ये जनता का वो है कि भाई भीड़ में रोकने का प्रयास करेगी, उनको मारने का प्रयास करेगी। घटना की निंदा करता हूँ। देखिए, जो किसान जा रहे हैं पीछे से गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा दी जा रही है, ये बहुत ही निंदनीय है, इसकी मैं निंदा करता हूं। और पब्लिक है, पब्लिक आक्रोश में आके गाड़ी रोकने का प्रयास की, कहीं से उनका ये नहीं रहा होगा कि हम उनके ऊपर हमला करें। खैर, जो भी हो, गलत है तो गलत है, किसानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोग रहे हैं उनके द्वारा गाड़ी चढ़ाई गई, ये निंदनीय है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये तो किसान रहा, किसान आंदोलन, अब बात करेंगे आपकी सरकार के संगठनात्मक तरीके से। सर कुछ मुद्दों पे ही सपा समाजवादी पार्टी एक्टिव दिखाई देती है, कुछ कभी कभी कोई ऐसे कार्यक्रम होते हैं, कोई रैली होती है, तभी जो समाजवादी पार्टी के लोग दिखाई देते हैं। पिछले 4.5 साल में समाजवादी पार्टी क्यों नहीं दिखाई दी? आप ये देखें कि केवल समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो सड़कों से लेकर सदन तक लड़ने का काम करती है, केवल एक समाजवादी पार्टी है। आप उठा लीजिए, बीच में कोरोना काल रहा तब भी जहाँ जहाँ जो जरूरतें आई हैं समाजवादी पार्टी लड़ने का काम किया, ना कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी कहीं दिखाई नहीं देती है और कांग्रेस भी कहीं लड़ने का काम नहीं करती है, केवल समाजवादी पार्टी लड़ती है। कांग्रेस तो करिए, विपक्ष की भूमिका कांग्रेस ही क्यों निभा रही? क्योंकि लखीमपुर खीरी पर सबसे पहला जो प्रतिक्रिया जो है प्रियंका गांधी ने दिया था। नहीं, प्रतिक्रिया प्रियंका गांधी जी का आया था, आदरणीय राष्ट्रीय अखिलेश जी जाने के लिए तैयार हुए, आप देखें कि उनको घर के बाहर रोक लिया गया, पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा उस दिन गिरफ्तारी दी गई। समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है और गरीबों किसानों के लिए लड़ती है। अच्छा ये बताइए, गन्ने भुगतान पे जो है बात करते हैं, आपकी भी सरकार रही है, गन्ने के भुगतान में तो गन्ने की जो है वृद्धि में, दामों में कितनी वृद्धि हुई जो भाजपा में नहीं हुई है? भारतीय जनता पार्टी में 1 रुपया भी, आप देख लीजिए जब से इनकी सरकार बनी 2017 से लेकर इस बार पहली बार वो रेट बढ़ाने की बात किए हैं।
पहली बार जब उनको लगा है कि किसान इतना विरोध कर रहा है और चुनाव आने वाला है, तब अगर चुनाव नहीं आता तो अब भी वो लोग एक रुपया भी नहीं बढ़ाने काम करते। और समाजवादी पार्टी की जब जब सरकार रही है, चाहे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार रही हो, चाहे श्री अखिलेश यादव जी की सरकार रही हो, तब तब किसानों के फसलों का वाजिब दाम मिला है, चाहे गन्ना हो या और भी जो फसल हो, सबको दाम उचित दाम देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। सर, एक आरोप बड़ा आरोप है और बड़ा संगीन आरोप है, समाजवादी पार्टी का नाम लेते ही लोगों के मन में या फिर भाजपा जो कहती है कि बड़ा आरोप है समाजवादी पार्टी के ऊपर, विशेष जाति का, सर विशेष जाति वर्ग के लोगों के जो है तानाशाही बढ़ जाती है। जी जी, आप ये बताएं, ये भारतीय जनता पार्टी का कुचक्र है लोगों को लड़ाने का, भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़ाने का काम करते हैं। आप 2017 के पहले आप जब देख लें, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बहुत बड़ा एक समाचार चला था, उसमें कुछ IAS और PCS लोग, SDM लोगों की नियुक्ति हुई थी, जिसमें चलाया गया था जो यादव नहीं थे उनके नाम के भी आगे यादव लिख के सोशल भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के द्वारा पूरे प्रदेश में चलाया गया था कि यादव हैं, जबकि आप भी जानते हैं। और वो बाद में उसकी लिस्ट भी जारी हो गई, उसमें कौन लोग थे सबसे अधिक लोग, वो पास आउट करने वाले कौन थे, वो दूसरे बिरादरी के लोग थे। वो केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये कुछ तोड़ो फोड़ो की राजनीति है जो एक दूसरे से लड़ाने का काम करते हैं, कहीं आम जनता में नहीं, आम जनता समझ चुकी है। भाजपा कहती है कि उन्होंने लगभग जमीनी हकीकत पे 165 ऐसी योजनाएं हैं जो जनता तक पहुंच चुकी हैं और वो जनता उसको जानती है। मुख्य बिंदुओं में उन्होंने कहा कि आवास दिया उन्होंने, शौचालय दिया, पेंशन दिया, गरीबों को राशन दिया, कोरोना टाइम में किसी को मरने नहीं दिया, किसी को भूखे नहीं मरने दिया, ये उनकी बिंदु हैं। आप ये बताएं, उन्होंने कहा कि आवास दिया, आवास क्या इसके पहले नहीं होते थे? मैं ब्लॉक प्रमुख 3 बार रहा हूँ, मेरी माता जी प्रधान हैं, कांग्रेस की भी सरकार थी जब समाज केंद्र में, और जब समाजवादी पार्टी की भी सरकार थी तब भी आवास मिले हैं। उसमें तो अखिलेश जी ने लोहिया आवास, जो आप मुख्यमंत्री इस समय आवास के नाम से कहा जा रहा है, उसमें हम लोहिया आवास के नाम से 3.5 लाख रुपये देते थे गरीबों को, आप 1,35,000 रुपये देते हैं, हम 3.5 लाख रुपये देते थे, अंतर कहाँ है? उसमें भी आवास मिलते थे। दूसरी चीज़ वो कहते हैं पेंशन की बात, पेंशन उसमें मिलते थे, उसमें हम समाजवादी पेंशन देते थे 500 रुपये महीना, जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, चाहे इस तरह के लोग हैं जिनकी कोई आजीविका के साधन नहीं है, उनको पेंशन देते थे वृद्धा विधवा के पास से, ये वो उस पेंशन को इन्होंने बंद कर दिया, केवल वृद्धा विधवा के नाम पे, विकलांग के नाम पे पेंशन देते हैं। समाजवादी पेंशन योजना जैसी योजना कोई नहीं चला पाए, जिससे जो जो वृद्धा विधवा नहीं भी हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनका काम चल सके। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो 165 योजनाओं की बात करते हैं, आप ये उज्ज्वला की बात करते हैं, उज्ज्वला कहीं फ्री की योजना नहीं है। आप देख लीजिए, जो उज्ज्वला के जो लोगों को दिया जाता है, इसमें उज्ज्वला पार्ट 2 लोग चला रहे हैं, उज्ज्वला पार्ट 1 चला है, और उसमें भी आप देख लीजिए कि जो नीचे दिया जाता है SP पेपर, उस समय लोगों को लोन लिखा होता है, जिसको हम देते हैं, उस पर लोन रिकवरी सब्सिडी के नाम पे लोन रिकवरी की जाती है उससे। 2022 का जो चुनाव है बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, जनता अपने किन बातों को आगे रख के चुनाव में वोट डालने जाएगी ये देखना बाकी है। हमारी कवरेज लगातार जारी, हर विधानसभा में है, हमारे साथ बने रहिए उत्कर्ष पत्रिका में। मेरा नाम अनुराग।